मेरी जैसी स्केरी टीचर की कहानी सुनने से पहले प्रेस द सब्सक्राइब बटन वरना बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब खूनी मंडे के साथ साथ हमारी नई पेशकश फ्रीकी फ्राइडे भी एंजॉय करो। चेक आउट आवर न्यू एक्सक्लूसिव हॉरर स्टोरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी ओनली ऑन आवर स्पॉटिफाई पॉडकास्ट द हॉरर शो बाय खूनी मंडे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। स्केरी टीचर 2 टीचर्स डे हॉरर स्टोरी। ये कहानी 8th क्लास में पढ़ रहे रिजुल की है। वैसे उसे पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं था, पर रोज एक पीरियड को वो बहुत ही शिद्दत से अटेंड करता था, वेंकट सर का पीरियड। वेंकट सर रिजुल की क्लास को मैथ्स पढ़ाते थे और रिजुल के सबसे फेवरेट टीचर भी थे। रिजुल उनकी हर क्लास फर्स्ट बेंच पर बैठकर अटेंड करता था। वेंकट सर की खास बात यह थी कि एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ वो बहुत पंक्चुअल भी थे। वो क्लास में कभी भी लेट नहीं आते थे, पर उस दिन कुछ अलग था। पीरियड शुरू हुए 10 मिनट हो चुके थे, पर वेंकट सर अब तक क्लास में नहीं आए थे। सभी बच्चे क्लास में शोर मचाने लगे, पर रिजुल फ्रंट सीट पर बैठ बस क्लास के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। तभी उसने देखा कि क्लास के दरवाजे से टेढ़ा होकर कोई क्लास के अंदर झांक रहा था, और जैसे ही रिजुल की नजर उस आदमी से मिली, वो दरवाजे से हटकर कॉरिडोर की तरफ चल दिया। रिजुल को वो इंसान पूरी तरह से तो नहीं दिखा, पर उसे वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। इसलिए रिजुल अपनी डेस्क से उतरकर उस आदमी के पीछे क्लास से बाहर चला गया। बाहर निकलते ही रिजुल ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि वेंकट सर ही थे, और अब वो कॉरिडोर में चलते हुए उसके क्लासरूम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। रिजुल को ये बात समझ नहीं आई। रिजुल ने उन्हें बुलाने की कोशिश भी की, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन तक रिजुल की आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। तभी वो रिजुल के सामने एक दूसरे क्लासरूम के अंदर घुसे। रिजुल दौड़कर उनके पीछे गया। वो क्लासरूम में आ गया, पर अंदर घुसते ही वो बहुत हैरान हो गया। जिस क्लास में उसके सामने वेंकट सर घुसे थे, वो क्लास बिल्कुल खाली थी। रिजुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। उसने बाहर निकलकर देखा तो कॉरिडोर में कोई और नहीं बल्कि वेंकट सर ही चल रहे थे। रिजुल अब भी उन्हें आवाज लगाता हुआ उनके पीछे भागा, पर वेंकट सर मानो अब भी रिजुल की आवाज को सुनकर अनसुना कर रहे थे। रिजुल तेजी से उनके पीछे गया। तभी वेंकट सर कॉरिडोर के आखिर में लगी एक खिड़की के पास खड़े हो गए। रिजुल उनके पास जाने लगा तो उसकी नजर जमीन पर गई। खिड़की से बहुत तेज धूप आ रही थी, जिसकी वजह से जमीन पर रिजुल की और खिड़की की भी परछाई बन रही थी, पर वहां वेंकट सर की कोई भी परछाई नहीं थी। ये बात रिजुल को बहुत ही ज्यादा अजीब लगी, पर अब वेंकट सर उसके सामने ही खड़े थे। वो उनके पास गया और उनसे कहने लगा, सर हमारी क्लास में आपका पीरियड है, आप क्लास लेने क्यों नहीं आए? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानिए एक ऐसी ऐप के बारे में जिस पर आपके ओपिनियन सुने जाएंगे और उन्हें रिवॉर्ड भी किया जाएगा विद रियल मनी। जी हाँ, प्रोवो एक ऐसा ऐप है जिस पर आपको बस सवालों के जवाब देने हैं, जो भी आपका ओपिनियन होगा, और अगर आपका ओपिनियन सही हुआ तो पैसे आपके। एंड वरी नॉट, क्वेश्चंस भी आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से होंगे। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि वेदर, क्रिकेट, यूट्यूब, पॉलिटिक्स एंड मेनी मोर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप क्या इंडिया एशिया कप जीतेगा इस पर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और अमाउंट क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका जवाब सही निकला तो पैसे आपके, जिसे आप UPI के थ्रू इजीली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस ऐप पर 70 लाख से भी ज्यादा लोग हैं और बहुत से लोगों ने तो लाखों कमाए हैं, तो देर किस बात की। अपने ओपिनियन से पैसे कमाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अभी डाउनलोड करें प्रोवो ऐप और पाइए ₹25 का साइन अप बोनस। जल्दी से जाइए और डाउनलोड प्रोवो, और अब आगे की वीडियो को एंजॉय कीजिए। रिजुल के बात बोलते ही कॉरिडोर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। खिड़की से आ रही तेज धूप की रोशनी मानो अचानक गायब हो गई और पूरे कॉरिडोर में अंधेरा छा गया।
ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। रिजुल अब थोड़ा घबराने लगा, लेकिन उसने वेंकट सर से फिर से पूछा, सर क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी वेंकट सर पीछे मुड़े और उन्हें देखते ही रिजुल की धड़कनें थम सी गईं। वेंकट सर का पूरा शरीर सफेद पड़ा था, उनके चेहरे का मांस उनके चेहरे से नीचे लटक रहा था और वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। रिजुल डर के मारे धीरे धीरे पीछे होने लगा। रिजुल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अचानक ही उसके सामने खड़े वेंकट सर ने अपने मुंह को खोलकर बहुत बड़ा कर लिया और वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजीब सी आवाजों के अलावा वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। देखते ही देखते वेंकट सर का शरीर अकड़ने लगा और रिजुल उन्हें देखकर सुन पड़ गया। उन्होंने रिजुल की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो देखते ही रिजुल वहां से उल्टी तरफ भागने लगा। उस कॉरिडोर में तेजी से भागते हुए वो किसी से टकरा गया और नीचे गिर गया। रिजुल ने जब उठकर देखा तो उसके सामने सुकृति मैम खड़ी थी। रिजुल हांफते हुए वेंकट सर का नाम बार बार बड़बड़ा रहा था। सुकृति मैम ने रिजुल को शांत किया और उसे क्लास में वापस चलने को कहा। उन्होंने बताया कि आज वेंकट सर छुट्टी पर हैं, इसलिए उनकी जगह सुकृति मैम उनका पीरियड लेंगी। रिजुल का सर अब चकराने लगा। अगर वेंकट सर छुट्टी पर थे तो आखिर रिजुल ने कॉरिडोर में किसे देखा था? रिजुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने साथ हुआ हादसा किसी को कैसे समझाए। रिजुल इसी सोच में डूबा क्लास में वापस चला गया। उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो रिजुल स्कूल के बाहर खड़ा अब भी वेंकट सर के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे स्कूल की बिल्डिंग की खिड़की के पास वेंकट सर खड़े हुए दिखाई दिए, वैसे ही भयानक रूप में। वो रिजुल को घूर कर देख रहे थे। उन्हें देख इस बार रिजुल की चीख ही निकल गई और उसने अपने साथ में खड़े दोस्त अंश को उस खिड़की की ओर देखने को कहा, पर अंश को वहां कुछ नहीं दिखा। रिजुल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड्स बाद जब उसने अपनी आंखों को खोला तो उस खिड़की पर अब वेंकट सर नहीं खड़े थे। डरा सहमा रिजुल घर चला गया। उसने अपने पेरेंट्स से वो बात शेयर की, पर उन्हें रिजुल की बात का विश्वास नहीं हुआ। उस हादसे को 3 दिन बीत गए, ना ही वेंकट सर स्कूल में क्लास लेने आए और ना ही रिजुल को वो दोबारा दिखाई दिए। पर 3 दिन बाद उनके स्कूल में एक खबर आई जिसे सुनकर रिजुल की रूह कांप उठी। खबर ये थी कि वेंकट सर की 3 दिन पहले ही मौत हो गई थी। वो रात को सोए और सुबह उनका पूरा शरीर अकड़ा हुआ पाया गया। वो नींद में ही चल बसे थे। रिजुल को आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वेंकट सर सिर्फ उसे ही क्यों दिखाई दिए थे। आपको क्या लगता है? सच जो भी हो, इस टीचर्स डे आप अपने सभी फेवरेट टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे जरूर विश करिएगा और ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा। हमारी अगले हफ्ते की कहानी बाके चोचिन स्पॉटिफाई पर ऑलरेडी लाइव है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए और हाँ, हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना मत भूलना।